नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट से खूब सारी चीज़ें आपके लिए डाल चुके हैं, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रही हैं और साथ ही आपके लिए एक अच्छा और एक ऑथेंटिक प्रकार का मटेरियल रहेगी। यानी आप आने वाले एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनकी आप अकॉर्डिंग आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। दोस्तों आप ही समझो, जो लाइब्रेरी साइंस में जो हुआ है, यानी जो शुरुआत हमने की थी अपने वीडियो के माध्यम से, वो ये इसी बात को दूर करने के लिए की थी कि जो लाइब्रेरी का जो ये हुआ बना रखा है, जो फालतू का जो डर बना रखा है कि इसका सेकंड यूनिट ये है वो है, इसके प्रैक्टिकली चीज़ें क्या हैं। अभी भी कईयों के फ़ोन आते हैं दोस्तों कि आप ना मतलब इनका जो प्रैक्टिकली जो ज्ञान है, उस प्रैक्टिकली में आप इसका गहराई में कितना पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप पहले के एग्जाम्स के पेपर देखो, साथ ही दोस्तों आप यूजीसी नेट जैसी एग्जाम जो है उनके प्रश्न पत्रों को देखो, तो आप वहाँ से पाओगे कि यहाँ से जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारे के सारे संपादकों के नाम आ रहे हैं, या फिर जैसे कोई अनुक्रमणिका या इंडेक्सिंग से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी भला नहीं है। आपको तो खाली उनको देखना है, आप एक दो बार इनको देख लेंगे, आराम से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। बशर्ते आपको वो पता होना चाहिए कि इसमें अगर वर्गीकरण किया गया है तो कैसा किया गया है, सूचीकरण किया गया है तो कैसा किया गया है। दोस्तों आज एक अपना एक नया टॉपिक और रहेगा, नया टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ एसीआरटू। यानी आज अपन बात करेंगे दोस्तों, वो अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ एंग्लो अमेरिकन कोड एंग्लो अमेरिकन एएसीआरटू, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स टू की हिस्ट्री करेंगे अपन। कैटलॉगिंग रूल्स पार्ट टू की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी आप ही समझो कि ये जो ए सी आर टू जो है ये कब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसका शुरुआती चरण कैसा था, वो सारी बातें करेंगे। यानी आप यहाँ से ले हो तो दोस्तों इसको हिंदी में बनाओ तो ये बन जाएगा ए ए सी आर टू का इतिहास। यानी पहली बात करें दोस्तों तो ए सी आर टू का क्या बन जाएगा भाई, इतिहास बन जाएगा। आप इसको किस तरीके से करें तो वो आप देखिएगा यहाँ पर। यानी सबसे पहले बात करें दोस्तों ए सी आर टू की, तो आप यू ले हो देखो, सबसे पहले ए सी आर टू के लिए दो सबसे पहले शुरुआत बात करें ना, तो आप जैसे इनमें नंबर डालो या कैसे बनाओ, सबसे पहले आप बनाओ ए ए सी यानी डबल ए सी, और यहाँ ए डबल ए सी से आप बनाओ तो ये बनेगा एंग्लो अमेरिकन कोड। दोस्तों ये कब बना, तो ये बना तो 1908 में था। अब इसके लिए देखो क्या रूपरेखा है, उसके लिए रूपरेखा के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों एंग्लो अमेरिकन कोड यानी डबल ए सी के लिए क्या स्वरूप होता है, तो वो आप देखिएगा। सन 1900 में मेल्विन डेवी के द्वारा अमेरिका का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA, और साथ ही ब्रिटेन का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है LA, यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन व लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन दोनों को डेवी ने एक पत्र लिखा। कब लिखा, तो ये पत्र डेवी ने लिखा था सन 1900 में। बात करें दोस्तों सन 1900 में ये पत्र लिखते हैं मेलविन डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन को। साथ में देखो ये क्या करते हैं, देखो सन 1900 में पत्र लिखते हैं और सन 1904 में ALA व LA ये दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से एक सम्मिलित सूची का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखो इस सम्मिलित सूची का निर्माण करने में दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखो एक तो आप याद रखिएगा हेनरी गप्पी, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो वो है जे एस चेस्ट। ये जे एस चेस्ट और हेनरी गप्पी जो है
ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जेस चेस्ट और हेनरी गप्पी जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये डॉक्टर मेलविन डेवी का सहयोग करते हैं। किसका सहयोग करते हैं भाई, मेलविन डेवी का सहयोग करते हैं। यानी जेस चेस्ट और हेनरी गप्पी जो है ये दोनों किसका सहयोग करते हैं, तो ये दोनों मेलविन डेवी का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप, इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप आप ही समझो सन 1908 में, परिणाम स्वरूप सन 1908 में डबल ए सी बोले तो एंग्लो अमेरिकन कोड का क्या होता है, निर्माण होता है। एंग्लो अमेरिकन कोड का क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है। कब हो जाता है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा 1908 में इसका निर्माण हो जाता है। साथ ही बात करें दोस्तों, इसका निर्माण जब पहली बार किया जाता है 1908 में, तो इसको दो भागों में प्रकाशित किया जाता है। इसको जिन दो भागों में प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, तो उन दो भागों के नाम याद रखिएगा। अपन आप पहले भाग का नाम था वो है, याद रखिएगा दोस्तों, कैटलॉग रूल्स ऑथर टाइटल एंड यानी बात करेंगे दोस्तों कैटलॉग रूल्स ऑथर टाइटल एंड एंट्रीज नाम से क्या किया जाता है, इसको प्रकाशित किया जाता है। नहीं, सबसे पहले बात करें तो कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर टाइटल एंड एंट्रीज नाम से इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों यहाँ भी बात करें तो यहाँ दो टेक्स्ट है, यानी दो भाग है, तो पहला भाग जो बनता है वो तो बनता है अमेरिकन एडिशन, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा बनता है वो बनता है कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर टाइटल एंड एंट्रीज। यानी नाम तो दोनों का सेम होता है, नाम तो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन एक जो है वो अमेरिकन एडिशन है और दूसरा जो है दोस्तों वो क्या है, ब्रिटिश एडिशन है। एक अमेरिकन एडिशन है और दूसरा क्या है भाई, ब्रिटिश एडिशन है। यानी दो भाग बनते हैं दोस्तों। यहाँ से भी कुछ चीजें अपन शामिल करेंगे। देखो ये जो दो भाग जो है, इन दो भागों में बात करें कुल नियमों का प्रकाशन, तो आप याद रखिएगा इसके दो भागों में कुल नियम जो थे वो 174 थे। यानी 174 नियमों में इन दोनों भागों को, 174 नियमों में इन दोनों भागों को क्या किया गया था, इन दोनों भागों को प्रकाशित किया गया था, इन दोनों भागों को प्रकाशित किया गया था। यानी ये दो भाग जो थे इनको कुल 174 नियमों में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ये दो भाग जो है ये किससे संबंधित है, तो ये दो भाग जो है वो प्रविष्टियों एवं शीर्षक से संबंधित जो विवरण था, या प्रविष्टियों या शीर्षक से संबंधित जो विवरण था उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, नियमों का निर्माण किया गया था। यानी उसके लिए यहाँ क्या कर दिया गया था, नियमों का निर्माण कर दिया गया था। बात करें दोस्तों इससे, ये जो ए सी जो बना है अपन, डबल ए सी बना है, इसकी बात करें तो इसका दूसरा भाग और प्रकाशित किया गया, इसका दूसरा भाग भी अगर बात करें दोस्तों, तो इसका दूसरा भाग जो है वो सन 1941 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। दूसरा भाग कब प्रकाशित किया गया, तो आप याद रखेंगे इसका दूसरा भाग जो है वो सन 1941 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। साथ ही दूसरे भाग के बाद में दोस्तों और किसका स्वरूप बना, कौन सी चीजें जोड़ी गई है ना, वो सारी अपन बात करेंगे। देखो दूसरे भाग के अलावा बात करें तो आप ही समझो, दूसरे भाग के बाद में ही इसमें ASCR2 का स्वरूप हो गया। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो ASCR1 बन गया। उसके बाद में बात करें तो ASCR2 हो गया। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कुछ एक चीजें और शामिल करते हैं अपन, कि कौन सी चीजें कहाँ थी उनको स्वरूप में शामिल करेंगे। ACR जो बना वो कब बना उसका भी अपन बात करें, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। जैसे दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर आगे बात करते हैं तो वो आगे इससे जुड़ी हुई बात ही है, उसको भी अपन यहाँ शामिल करते हैं।
यहाँ से बात करें दोस्तों इस एसी डबल एसी की और साथ ही इसके विवरण और इससे जुड़ी और भी कई सारी बातें हैं वो भी अपन शामिल करते हैं, साथ ही एसीआर फर्स्ट की बात करेंगे और एसीआर कब बना उसकी भी अपन करेंगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि इस एसी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी 1908 में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो वो है एल ए व सी एल ए, यानी तीन तो ये बन गए। तीन के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मेलविन डेवी की, और डेवी के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप ले लो तो वो है जेस्ट के अलावा बात करें तो दोस्तों वो है एन वी गप्पी, इनकी क्या रही है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों इसी का दूसरा संस्करण जो है वो 1941 में क्या किया गया, इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया। बात करें दोस्तों दूसरा संस्करण भी दो भागों में प्रकाशित किया गया यहाँ पर तो दो भागों को आप इस तरीके से याद रखिएगा। देखो पहला भाग तो है प्रविष्टियां एवं दूसरा है प्रविष्टियां एवं शीर्षक, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा भाग है वो है पुस्तक से संबंधित विवरण, यानी दोनों चीजों को क्या रखेंगे आप ध्यान में रखेंगे, पुस्तक से संबंधित विवरण, प्रविष्टि और शीर्षकों को भी क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे। बाद में देखो धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे बात करें तो फिर बनता है ए सी आर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एसीआर का पूरा नाम क्या रखा गया, तो इसका पूरा नाम रखा गया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। कब जारी किया गया दोस्तों तो ये भी याद रखिएगा सन 1949 में। और बात करें इसको भी स्थापित करने महत्वपूर्ण भूमिका या निकालने महत्वपूर्ण भूमिका तो वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। साथ ही बात करें दोस्तों तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन। और बात करें दोस्तों तो वो है कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये इसको क्या करते हैं, निर्मित करते हैं कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको क्या करते हैं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से बात करेंगे देखो एक दो छोटी चीजों की कि ऐसा स्वरूप बन जाता है और एसीआर जो है वो अपने रूप में आ जाता है। अब आगे की बात करें ना दोस्तों तो इसका आगे का स्वरूप बनेगा वो बनेगा एसीआर फर्स्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं एसीआर फर्स्ट का प्रकाशन, तो एसीआर फर्स्ट का जो प्रकाशन है दोस्तों वो हो जाता है 1967 में, यानी 1967 में क्या हो जाता है इसका प्रकाशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ से दो तीन छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सबसे बड़ा तो याद रखना है कि सन 1962 में ए एल ए कोड का संपादक जो है वो सी के सुमनेर स्प्लेंडिंग को बनाया जाता है। इसका संपादक बनाया जाता है और कब बनाया जाता है तो याद रखिएगा 1962 में। किसे बनाया जाता है तो सी के सुमनेर स्प्लेंडिंग को बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ से और बात याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है कि सन 1961 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन का नाम है ICCP, यानी इसकी भी पूरे नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। इसका क्या है पूरा नाम रहता है, कब आयोजित किया जाता है तो 1961 में। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों तो ये पेरिस में आयोजित किया जाता है,
यानी पेरिस फ्रांस में क्या है आयोजित किया जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये समझिएगा कि ये सूचीकरण से संबंधित था, ये किससे संबंधित था, ये सिद्धांत सूचीकरण से संबंधित था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसमें कुल 12 सूचीकरण के सिद्धांत, इसमें कुल 12 सूचीकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। कुल 12 सूचीकरण के सिद्धांत इसमें क्या किए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि इसमें प्रस्तुत किए गए थे। तो आप याद रखिएगा ICCP। साथ ही 1962 में ALA कोड का संपादक किसे बना दिया गया, सीके सुमले स्प्लेंडी को बना दिया गया। तो ये दोनों ही जो पड़ाव है, ये दोनों ही जो स्वरूप है, यानी दोनों स्वरूप की बात करें दोस्तों, तो एक जो है सीके सुमले स्प्लेंडिंग, यानी सीके सुमनेर स्प्लेंडिंग, और बात करें दूसरी तो यहाँ पर बन गया वो क्या बन गया ICCP, वो क्या बन गया ICCP। और इन दोनों के आधार पर ही AACR first का क्या हो जाता है भाई, AACR first का भी क्या हो जाता है, प्रकाशन हो जाता है। AACR first का क्या होता है, प्रकाशन होता है। दोस्तों बात करिए ये AACR first जो है इसके दो संस्करण होते हैं, इसके दो संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं। इसके कितने संस्करण, तो दो संस्करणों की बात करें दोस्तों, तो इसका एक संस्करण तो है इसका अमेरिकन एडिशन या अमेरिकन टेक्स्ट, दूसरे की बात करें तो दूसरा इसका संस्करण है वो है ब्रिटिश टेक्स्ट। वो क्या है इसका, ब्रिटिश टेक्स्ट, यानी एक अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा क्या है ब्रिटिश टेक्स्ट, इसका क्या बन जाता है, संस्करण बन जाता है। दोस्तों यहाँ से बात करेंगे ये जो दो संस्करण जो है ये तीन भागों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये दो संस्करण जो है वो तीन भागों में कितने भागों में, तो आप याद रखिएगा तीन भागों में प्रकाशित किए जाते हैं। कितने भागों में, तो आप याद रखिएगा तीन भागों में प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके तीन भागों के नाम की भी बात करेंगे, साथ ही अपन दो तीन छोटी छोटी चीजें और जोड़ेंगे। देखो जैसे यहाँ से छोटी छोटी चीजें जोड़ेंगे, बात करेंगे 1978 की, और 1978 के अलावा दो यहाँ पर जो चीजें बची वो 1971 और 1974, इन दोनों को शामिल करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे पॉल डब्ल्यू विनकलर की, और पॉल डब्ल्यू विनकलर के अलावा दोस्तों बात करें तो एक यहाँ पर और आदमी बन जाएगा, जो बचेगा वो बनेगा माइकल गोरमैन, यानी माइकल गोरमैन भी इसमें कोई इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है क्या, उसकी भी बात करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए इसका भी, उसके बाद में अपन पुनः चर्चा करें। तो इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, एक बार और बात करेंगे अपन, यहाँ पर जी और एम की भी बात करेंगे, यानी ISBT जी और एम क्या है, और साथ ही इसको किसका आधार बनाया गया, वो भी अपन यहाँ दो तीन चीजें जो है वो शामिल करेंगे। तो एक बार आप देखिएगा सीखे सुनने स्प्लेंडिंग को तो जरूर याद रखना ही है दोस्तों, और ICCP तो विशेष है। इस बार एग्जाम में ICCP का क्वेश्चन पूछा गया था कि ICCP यानी सन 1961 में जो ICCP यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल था, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुआ, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे पेरिस में आयोजित हुआ था। बात करें दोस्तों उसके आगे वाली, यानी दो भागों में दो संस्करणों में प्रकाशित किया गया, दो संस्करणों में प्रकाशित किया गया। और दो संस्करणों की बात करें दोस्तों, तो एक तो था इसका अमेरिकन टेक्स्ट, और दूसरे की बात करें दोस्तों, तो इसका दूसरा जो था वो था ब्रिटिश टेक्स्ट, वो था क्या भाई ब्रिटिश टेक्स्ट। अब दोनों की बात करते हैं, देखो ये दोनों संस्करण जो है वो तीन भागों में प्रकाशित किए गए। दोनों संस्करण जो है दोस्तों कितने भागों में, तो आप याद रखिएगा तीन भागों में प्रकाशित किए गए। तीन भाग कौन से थे, देखो सबसे पहले तो बात करें तीन भागों की, तो तीन भागों को आप इस तरीके से याद रखिएगा। पहली बात करें दोस्तों तो ये तो है प्रविष्टियां, बात करें दोस्तों प्रविष्टियां के अलावा, तो प्रविष्टियां एवं शीर्षक पहला तो था, दूसरा था विवरण, और तीसरा था ए पुस्तक सामग्री। यानी तीन भाग बने, यानी दो संस्करणों के तीन भाग, दो संस्करण है अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट, और तीन भाग है दोस्तों, तो तीन भाग है प्रविष्टियां एवं शीर्षक, यानी इनको भी आप अंग्रेजी में ले हो तो ये बन जाएंगे एंट्रीज एंड हेडिंग्स पहला भाग। दूसरे की बात करें दोस्तों तो ये है डिस्क्रिप्शन इसका, दूसरा जो है वो है इसका
डिस्क्रिप्शन है, और तीसरे की बात करें दोस्तों तो ये है नॉन बुक मटेरियल क्या इसका नाम है, यानी नॉन बुक मटेरियल इसका क्या है भाई, तीसरा भाग। साथ दोस्तों ये तीनों बनने के बाद में देखो बात करेंगे सन 1971 की, यानी 1971 में आप ही समझो इसमें एक स्वरूप बन गया आईएसबीटी जी बन गया। अब ये आईएसबीटी जी जो है दोस्तों ये भी क्या करता है, ये भी ACR2 के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ACR2 के लिए क्या करता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ से आइए 1974 की भी बात कर लेते हैं, और 1974 में क्या बनता है तो वो भी आप याद रखिएगा, वो है ISBT, यानी यहाँ 7 में तो बनता है इकहत्तर में तो बनता है M और 74 में बनता है G भाई, है ना, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी एम तो बनता है इकहत्तर में, 74 में बन जाता है कैसी, ये क्या करते हैं ACR2 के लिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से रखोगे, देखो सबसे पहले जो बन गया, यानी अब जो बात करेंगे वो ACR2 की, यानी अपन एक प्रक्रिया से चल रहे हैं, प्रक्रिया में बात करें तो सबसे पहले बना था AA, उसके बाद में बन गया AA के बाद में ACR, उसके बाद में बन गया दोस्तों ACR1, और उसके बाद में जो बन रहा है वो बन रहा है ACR2, वो बन रहा है क्या भाई ACR2, तो इनकी बात करते हैं। अब अपना बन गया ACR2। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिएगा कि ALA कोड के लिए 1978 में पॉल डब्ल्यू विनकलर तथा माइकल गोरमैन को क्या किया जाता है, माइकल गोरमैन को क्या बनाया जाता है तो याद रखना है संपादक बनाया जाता है। और ये संपादक बनने के बाद किसका प्रकाशन हो पाता है, ACR2 का क्या हो पाता है भाई, प्रकाशन होता है। यहाँ पर भी दोस्तों बात कर लेते हैं, देखो ACR2 की, तो आप यूँ समझो कि इस ACR2 को प्रकाशित करने में ALA प्लस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, यानी अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसके अपन पूर्व में बात कर चुके हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही दोस्तों ये क्या है, देखो ये जो है ये भी दो भागों में, ये भी क्या है, यानी सबसे पहले बात करें कितने भागों में, तो ये ACR2 जो है ये भी दो भागों में प्रकाशित किया गया। ये दो भाग क्या है देखो, तो सबसे पहले तो बात करें दो भाग, तो पहला भाग तो है वो है प्रविष्टियां, और दूसरे भाग में बात करें दोस्तों तो पहला तो भाग बनेगा प्रविष्टियां शीर्षक, और दूसरे वाले भाग की बात करेंगे तो वो बनेगा विवरण, यानी दो नंबर का बन जाएगा विवरण, एक नंबर का बन जाएगा वो प्रविष्टियां। दोस्तों प्रविष्टियां शीर्षक क्या है, तो आप ही समझो ये ISBT-G पर आधारित मानी जाती है, ISBT-G के आधार पर इनको क्या किया जाता है, जी के आधार पर इनको निर्मित किया जाता है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसका विवरण जो है वो क्या है, तो आप ही समझो कि इसका जो विवरण है वो पेरिस सिद्धांत को इम्प्लीट करने की यानी अमल में लाने की बात करता है। कौन करता है, तो आप याद रखिएगा ACR2 का दूसरा भाग, और दूसरा भाग किससे संबंधित है, वो विवरण से संबंधित है, पहला किससे संबंधित है, तो वो प्रविष्टियों एवं शीर्षकों से क्या है, संबंधित है। दोस्तों बात करेंगे इसमें संशोधन कर दिया गया, यानी ACR2 में दो बार संशोधन हुआ अब तक, यानी दो बार संशोधन हुआ तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहली बार इसका संशोधन हुआ वो हुआ 1988 में, इसका दूसरी बार संशोधन हुआ वो 1998 में, यानी पहला 88 में और दूसरा क्या भाई 98 में। साथ ही देखो वर्तमान में बात करें ACR2 की, तो आप याद रखिएगा ACR2 का जो नवीनतम स्वरूप है वो RDA के रूप में क्या आ रहा है, सामने आ रहा है। दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में खाली
इन दोनों में खाली क्या है भाई, संरचनात्मक अंतर है। बात करते हैं इस आरडीए का प्रकाशन वर्तमान में कौन कर रहा है, तो आरडीए का प्रकाशन सन 2010 से यानी 2010 से 2010 से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका प्रकाशन किया जा रहा है। क्या अंतर है इसमें दोनों में, तो इन दोनों में क्या है भाई, संरचनात्मक है, फर्क है। यानी यहाँ से दो चार लोगों के नाम याद रखने दोस्तों, एक तो सीके सुमने स्प्लेंडिंग को आप जरूर याद रखेंगे, साथ ही पॉल डब्ल्यू विंकलर को याद रखेंगे, और माइकल गोरमैन को भी क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे। अगर आप ए सी से बात करें तो जेस्ट और हेनवी गप्पी का नाम जरूर याद रखेंगे। इनको आप जितना आप देखेंगे वीडियो को देखेंगे तो आपका ए सी आर टू कब बना, क्या बना, कैसे कोड थे, वो सारा स्वरूप आपके क्या रहेगा, सामने रहेगा। यहाँ से दोस्तों अपन ने पूर्व में बात की है कि अगर आप एक कैटलॉग कार्ड बनाए, एक क्या बनाए, एक कैटलॉग कार्ड बनाए अकॉर्डिंग टू ए सी आर टू, तो कुल 8 अनुच्छेद है ना। बात की थी अपन ने कॉल नंबर की, साथ ही अपन ने यहाँ पर बात की थी हेडिंग सेक्शन की, साथ ही अपन ने बात की थी टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, और बात करें तो अपन ने बात की थी फिजिकल डिस्क्रिप्शन की, साथ ही दोस्तों अपन ने बात किया नोट सेक्शन, आईएसबीएन और असेसन नंबर के बाद में बात करें दोस्तों तो वो क्या था, ट्रेसिंग था। तो इसका स्वरूप भी कहाँ शामिल किया जाता है, AACR2 में क्या किया जा सकता है भाई, शामिल किया जा सकता है। ऐसा पूर्व में अपन बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा अपन ने क्या नहीं दिया है, फोकस नहीं किया है दोस्तों। पूर्णतया भरसक प्रयास है कि आपको पूर्णतया अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, और थोड़े से जो भी समस्याएं हैं, सुझाव है, उनका भी आप ध्यान रखेंगे। इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा आप ये समझिएगा कि बहुत सारी बाधाएं या समस्याएं जो होती है, जो वीडियो शूट करते हैं तो उनका सामना करना पड़ता है, फिर भी दिनों दिन उसको उत्तरोत्तर क्या करें, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी समस्याएं आएंगी वो सारी सारी हल की जाएंगी। प्रयास ये है कि आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मतलब अच्छा काम करें। फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से भी ये जो ध्वनि जो फैल रही है, बहुत सारे डीजे डांस जो की जैसे चीज़ों से बन रही है या इन्वायरमेंट में दिन भर चलती रहती है, तो वीडियो शूट करने में इनसे टाइम भी लगता है, साथ ही इससे बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अच्छे और शानदार प्रकार के वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।